अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू फरहीन द किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पालक अरवी। आपने पालक आलू तो खाया ही होगा और सुना ही होगा, लेकिन आप ये रेसिपी फर्स्ट टाइम आई थिंक से सुन रहे होंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करें। और लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने इसमें 2 बंडल्स लिए हैं पालक के और इसे बारीक कट कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अरवी के पीसेस को भी ऐसे शेप में कट कर लिया है और इसे वाटर में सोक करके रखा है, नहीं तो ये रेड हो जाती हैं। आप इसे वाटर में ज़रूर सोक करें। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 बिग अनियन का पेस्ट बनाया है और कुछ ग्रीन चिलीज को कट किया है। पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं अनियन पेस्ट ऐड करूंगी और साथ ही साथ सारे स्पाइसेस भी ऐड करूंगी और इसे फिर हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। पालक को बहुत ही अच्छे से आप धो के ड्रेन कर लें, क्योंकि पालक में मट्टी बहुत होती है। ये बिगनर्स के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, आप इसे अच्छे से वॉश करें और कम्प्लीटली इसे ड्रेन कर लें। फिर इसमें ऐड करूँगी और इस टाइम पे मैं फ्लेम हाई रखूँगी और पालक जो वाटर रिलीज़ करेगा, पालक हम उसी में कुक करेंगे। और बिगनर्स के लिए मैं एक चीज़ और टिप शेयर करना चाहूँगी कि इसमें हम थोड़ा सॉल्ट कम ही रखेंगे रेसिपी में, क्योंकि पालक भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो पालक की कोई भी रेसिपी में आप सॉल्ट थोड़ा कम रखें। और अब मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश मेथी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पालक मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और लिड लगा के मैं थोड़ी देर इसे लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि पालक गल जाए। पालक भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, गलने लगा है पालक। अब मैं इसमें अरवी पीसेस ऐड करूंगी। जिस वाटर में हमने उसे सोक किया था वो वाटर हम कम्प्लीटली ड्रेन कर देंगे। पीसेस को अच्छे से रब करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी स्लाइमी होती हैं, इसे अच्छे से वॉश कर लें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और लिड लगा के भी थोड़ी देर इन्हें भी गलने के लिए छोड़ूंगी ताकि हमारी अरवी और पालक अच्छे से गल जाए। इस टाइम पर हमें फ्लेम स्लो रखनी है फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। अगर इनके सबकी अरवी नहीं गली हो तो आप थोड़ी देर इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, स्लो फ्लेम पे रखें लेकिन। और इसे अब अच्छे से भून लें ताकि जितना भी वाटर है वो ड्राई हो जाए। अरवी भी गल चुकी है, अब मैं इसे हाई फ्लेम पे भून लूंगी। ऑयल सेपरेट हो जाए जब तक हमें भूनना है। अब मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप ऐड नहीं करें। मुझे ग्रीन चिलीज ऐड करना थी इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कम लिया था। अब हमारी अरवी पालक अच्छे से भून चुका है, अब ये रेडी है डिश आउट के लिए।
अरवी पालक रेडी है। इसे आप राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगता है। और ये ऐसे है ग्रेवी कि आपको इसके साथ में किसी और ग्रेवी की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपसे मिस ना हो, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।